So hi guys and welcome back to my channel. This is Advancy Yada with us again. I hope everybody is doing really really great. So guys, आज हम जा रहे हैं SGM office, जो हम कल भी गए थे marriage certificate बनवाने के लिए. और क्या बोलते हैं, अभी हम थे टोल टैक्स पे खड़े और हम भी बातें कर सकते हैं क्योंकि मेरी गाड़ी हिल नहीं रही, मेरे कैमरे का एंगल भी सही आ रहा है. बाकी मैरिज सर्टिफिकेट हम इसलिए भी वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे पास एक लीगल डॉक्यूमेंट भी हो जाएगा क्योंकि वो नहीं हुआ था. और मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी आज है, मतलब 12th को, और 11th को हमारा मैरिज सर्टिफिकेट भी बना है. वो हो, इट्स सो यू नो हैपनिंग हैप्पीनेस. और बाकी यार वीडियो एडिट नहीं हो पा रही है, आई एम रियली 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 सॉरी फॉर इट. और ये ब्लॉग काफ़ी लेट डलेगा, उससे पहले शादी वाले ब्लॉग चलेंगे. बट हम फिर भी हम व्लॉगिंग कर रहे हैं कि हमें हर दिन का हम अपडेट देते रहें, कुछ ना कुछ हम लोग अपलोड करें और कुछ ना कुछ डालें आप लोगों के लिए. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है. और क्या बोलती मैं, गाड़ी में चल के मेरा माई हस्बैंड इज वेरी बिजी. सो एक दिन हमें एक कॉन्वर्जेशन वाला पार्ट रखना पड़ेगा. अभी हम लोग ना, मैं छुपके छुपके ना कैमरा ऑन कर रही थी और इनको ना बार बार पता लग जाता है कि मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ. ही इज टेलिंग मी दैट ही इज वेरी स्मार्ट, बट आई एम टेलिंग बट आई एम वेरी स्मार्ट. लेट्स सी कि अगली बार मेरे प्रैंक में फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे, इनको पता लगेगा कि मेरा कैमरा ऑन है कि नहीं. क्योंकि आई मीन टू से मुझे तो आज तो मैं दो बार पकड़ी हुई हूँ कैमरा, मैंने छुपके छुपके ऑन किया था फिर भी पकड़ी गई हूँ. टिशू दिया है वो अरे मम्मी के साथ में मिक्सअप कर लो पूरे से. स्टार्ट. Happy anniversary to you. Happy anniversary to you. Happy anniversary, mummy, papa. लगता रहता है सुबह घर आने का और शाम को घर जाने का है, वही होता है. आपको ऐसे नहीं लगा कि ये आपको नाम पता चल गया था पहले ही? तो आईजी नाम देख के मोबाइल नंबर देख के पहचान गया. अच्छा फिर आपको क्या लगा? आपको अच्छा, आपको तो मैंने पहले से बता दिया था है ना, ये मैं यहाँ पे शिफ्ट होने. मैं तो आपकी आवाज से पहचाना, मैं कहा ये तो सर लग रहे हैं. बड़ा अच्छा लगा सर. लास्ट फ्लाइट भी आपने ऑलमोस्ट मेरी करवाई थी. लास्ट फ्लाइट ऑलमोस्ट शादी के बाद पहली फ्लाइट है. हाँ ये शादी से बाद की मेरी पहली फ्लाइट है. अच्छा लगा सर आपकी आवाज सुन के, आपसे मिलके. So hi guys and welcome back to my channel. This is Advancy Yada with us again. I hope everybody is doing really really great. So guys, जैसे आपको पता लग गया है कि आज मेरी पहली फ्लाइट है after like marriage. So let's see how it goes. Even though I am super excited and nervous, पता नहीं लगता कि कुछ दिनों के बाद है ना सर फ्लाइट पे जाते हैं तो लगता है ना कुछ दिनों के बाद, एक तो जाने का मन नहीं करता पहली बार, तो जैसे मेरे स्कूल से होते हैं या फिर है ना स्कूल में जाते हैं वर्क पे जाते हैं, हमेशा सेम फीलिंग होती है. तो मेरी भी आज सेम फीलिंग है. आई एम नर्वस एक्साइटेड and I don't want to go for my flight. I want more छुट्टियाँ, पर छुट्टियाँ तो मिलेंगी नहीं और तो अभी तो इसलिए जाना पड़ेगा. मैं सोच रहा था कि सर पता क्या होता है, मेहंदी लगी रहती है ना खैर पे तो आपको अलाउड नहीं है, पर मेरी मेहंदी भी जल्दी उतर गई, छुट्टियाँ भी नहीं मिली और जाना ही पड़ेगा. सो आज है मेरी पहली फ्लाइट और मैं इतनी एक्साइटेड हूँ. आज मेरी चार सेक्टर है बट स्टिल आई एम हैप्पी. और सर आपका लास्ट क्या बोलते हैं ड्रॉप कितने बजे करोगे? अच्छा घर निकल रहे हो आप? तो जा रहे हैं घर भाई. चलो लेट्स सी हाउ इट गोस. सो फाइनली गाइस अभी
फ्लाइट शुरू हो गई थी, उसके बाद यार इसके बीच में हमने दो सेक्टर ऑपरेट करे, दो सेक्टर में भी हमारा एयरक्राफ्ट चेंज था, उसके बीच में एयरक्राफ्ट चेंज होने के बाद इट वाज वेरी टायरिंग नो डाउट, बट कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, एंड आई फाइनली कंप्लीटेड माय डे. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड अगला व्लॉग आने वाला है गाइस. हम लोग गए थे खाटू श्याम जी और मेरी पूरी फैमिली के साथ, तो अब वो व्लॉग आएगा, तो स्टे ट्यून विद दैट, एंड थैंक यू सो मच ऑल योर विशेज एंड ऑल योर लव, इट रियली रियली मीन्स अ लॉट टू मी गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग.